गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नूपुर। आज के वीडियो में बात करेंगे कि मीशो ऐप से आप कैसे चीज़ों को खरीद सकते हैं। मैंने मीशो ऐप से कुछ ज्वेलरी एसेसरीज मंगाई थी, इयररिंग्स मंगाए थे, तो वाकई बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अफोर्डेबल है। गारंटी के साथ वो आपको मार्केट में तो इस प्राइस में बिल्कुल नहीं मिल सकते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं वो एसेसरीज कैसी है, तो आप खुद ही मुझे बताइएगा कि आपको इस प्राइस में मार्केट पे वो मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। पहले कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में बॉक्स में प्लास्टिक का बॉक्स है। इसमें तीन इयररिंग्स आई थी। ये बॉक्स थोड़ा सा मतलब कुछ खास नहीं है, बेकार सा है। ये थोड़ा सा देखिए क्रैक भी हो गया है यहाँ से, पता नहीं आपको देख पा रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा ये क्रैक हो चुका है यहाँ से बॉक्स। खैर कोई बात नहीं, बॉक्स से हमें क्या लेना देना है, हमें अंदर का माल अच्छा मिलना चाहिए भाई। तो ये कुछ बबल रैप इस तरीके का है, इसमें तीन इयररिंग्स आई हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं। तो इयररिंग्स आपको इस तरीके की प्लास्टिक रैप में मिली हैं। ये इयररिंग्स है, ये देखिए आप, बहुत ही प्यारी, बहुत ही एलिगेंट है ना, खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। आप इसका डिज़ाइन देखिए, इतना प्यारा डिज़ाइन है। इसमें शाइन भी काफ़ी अच्छी है। इसमें जो ये जो कट साइड में जो आपको कट पूरा डिज़ाइन दिया गया है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है, मुझे बहुत ही पसंद आया। ये नीचे आप देखिए, इसमें नीचे मोती दिया हुआ है, ये सारा आपको कटवर्क दिया हुआ है, ये अलग मोती कलर है, ये देखिए तो फ्लावर बना हुआ है सेंटर में, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। मैं आपको लास्ट में सारे वेयर करके दिखाऊंगी, अभी मैं आपको पहले सारे दिखा रही हूँ किस टाइप का डिज़ाइन है। सेकेंड इयररिंग्स की बात करें, सेम पैकेजिंग सबकी सेम आपको मिलेंगी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत इयररिंग है सेकेंड वाली, ये देखिए आप, डिज़ाइन देखिए आप, कितना सुंदर डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। और आई एम डैम श्योर आपको इस प्राइस में मार्केट में तो ये मिल ही नहीं सकता, कहीं से भी आप देख लो नहीं मिल पाएगा जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा डिज़ाइन, एक तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मतलब नए डिज़ाइंस हैं। ये देखिए नीचे ये मोती आपको दिख रहे हैं, नीचे मोती हैं, साइड में ये छोटे 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 से डायमंड्स लगे हुए हैं, मतलब नॉट रियल डायमंड्स ऑब्वियसली, ये ऊपर ये फ्लावर दिया हुआ है, फ्लावर में ये बीच साइड में मोती लगा रखे हैं, और ये छोटे छोटे, ये सब छोटे छोटे मोती हैं, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। तो ये भी मुझे सेम प्राइस का मिला था, इसका प्राइस आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। थर्ड इयररिंग वो भी मुझे इस तरह के पैकेट में मिली है, वो भी बहुत प्यारा डिज़ाइन है, डिजाइन आप देखिए इतना खूबसूरत है, ये सेंटर में पिंक कलर का मोती दिया हुआ है, पिंक कलर का, और ये पूरा बहुत प्यारा डिजाइन है, और बहुत हैवी भी नहीं है, कि देखने में आपको लग रहा होगा कि काफी हैवी है सारी इयररिंग्स, बट वो बहुत हैवी नहीं है। आप इसको कान में पहनेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके कान लटक जाएंगे, आपके जो छेद है कान के वो बड़े हो जाएंगे, बहुत हल्के हैं। देखने में ज़रूर आपको लग सकता है कि बहुत हैवी होगा, बट ये हैवी नहीं है, बहुत लाइट वेटेड है। मैं भी आपको पहन के भी दिखाऊंगी सारे। तो नेक्स्ट जो मैंने लिया था वो इस तरह के प्लास्टिक बॉक्स में आया था, तो ये इस बॉक्स की क्वालिटी अच्छी है उसकी कंपेरिजन। तो इसमें इसमें दो इयररिंग्स आई थी, उसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, ये देखिए इस टाइप का पैकेट में आया है, ये अंदर थर्माकोल है, मैंने ये अभी खोल के भी नहीं देखा है, ये थर्माकोल है, उसमें ये लगा हुआ है, ये देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन है, बहुत ही प्यारा डिजाइन, ये मार्केट में आपको 300-400 से कम तो मिल ही नहीं पाएगा। इसका प्राइस भी आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली इनके प्राइजेस याद नहीं है। तो आप डिज़ाइन आप देखिए एक बार, और शाइन भी इसमें इतनी अच्छी शाइन है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, आई तो लव दिस डिज़ाइन। तो और नेक्स्ट इयररिंग की बात करूँ मैं, जो लास्ट इयररिंग है उसका डिज़ाइन वाओ,
आप देखो इतना सुंदर डिजाइन इसका मोती, इतना प्यारा डिजाइन है, इतना प्यारा डिजाइन है गाइस। और कलर कॉम्बिनेशन इज वेरी नाइस और बहुत लाइट वेटेड है, देखने में आपको लग सकता है काफी हैवी होगा, कान में दर्द हो जाएगा, लटक जाएगा, बट नो इट्स वेरी लाइट वेटेड। देखिए आप, मैं आपको ये सारे पहन के दिखाती हूँ और फिर देखते हैं कि कानों में कैसे लगते हैं और कितने बड़े आपको कान में दिखते हैं ये। तो चलिए इनको पहन के दिखाते हैं। तो आपको अगर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है तो मैं इसका लिंक आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहाँ जो सेलर का नाम था वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा उसको सर्च करना। तो आप वहाँ से इसे ले सकते हैं अगर आपको भी इन ईयरिंग्स में से कुछ चाहिए हो, या और बहुत सारी ईयरिंग्स आपको इसी प्राइस मिलेगी। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि रेटिंग का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि रेटिंग उसमें अच्छी हो, तभी आपको प्रोडक्ट भी अच्छा मिलेगा। अगर उसमें रेटिंग 2.6 होगी और आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लग गया, आपने वो ले लिया, तो मुझे नहीं पता, मुझे ब्लेम नहीं करना भाई कि अच्छा नहीं आया, अच्छा नहीं आया। मैं कोई प्रमोट थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो उसमें से मैंने उसमें से कुछ खरीदा, मुझे पसंद आया, तो मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ आप वहाँ से भी देख सकते हो, वहाँ से भी कुछ रीजनेबल चीज़। ईयरिंग्स के साथ आई हूँ तो कल मैं कुछ ट्राई करती हूँ कुछ कपड़े वपड़े कुछ लेके आपको दिखाने की, कि वहाँ का मटेरियल कपड़े का कैसा आता है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज़ मंगाऊंगी और उसमें देखती हूँ कि वो कपड़ा कैसा आता है, अगर अच्छा लगेगा तो मैं भी वहाँ से बाय करूँगी और आप भी ज़रूर बाय करिएगा। तो मुझे तो गाइस ये इयररिंग्स, सारी इयररिंग्स बहुत अच्छी लगी हैं और इनके डिज़ाइन भी बहुत अच्छे हैं, प्लस कोई भी टूटी फूटी मुझे नहीं मिली है, एकदम परफेक्ट मिली है, कटआउट एकदम नीट एंड क्लीन, डिज़ाइन एकदम सुंदर सा खूबसूरत सा। मैंने फर्स्ट टाइम मीशो से कुछ ऑर्डर किया है, पहले तो मैं ऑर्डर करने से काफ़ी डर रही थी कि यार 100 रुपीज़ भी जाता है तो थोड़ा सा तो लगता है यार, 100 रुपीज़ भी ऐसा थोड़ी है, 100 है तो चलो दे दो, नहीं ना। तो बस मैंने फिर भी मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैंने इसकी एक आध वीडियोज़ भी देखी थी तो उसमें काफ़ी सारे फीडबैक अच्छे थे, कुछ के ठीक ठाक थे। तो अगर आपको मीशो से कुछ भी लेना है तो आप लेने से पहले एक चीज का ध्यान दीजिए, उसमें आप फीडबैक जरूर देखिए। फीडबैक आप देखेंगे 4.0 या 4.1 जिनके हो, उन्हीं से आप कोशिश करिए खरीदने की, जिनके उससे कम है उनसे आप मत खरीदिए। तो फीडबैक जिनके अच्छे हो गए अगर आप उनसे खरीदेंगे तो आपको हो सकता है ऐसे ही प्रोडक्ट मिले, अच्छा मिले, जैसे मुझे मिला। मैं तो बहुत खुश हो चुकी हूँ इयरिंग से। तो ऐसे ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको और वीडियो देखनी हो, तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू।